यो वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये रिबन को कैसे पल्स ऑक्सीमीटर में इंसर्ट किया जाता है, अटैच किया जाता है। आप इसे रिबन कह लें या रोप कह लें या फिर इसे रिस स्ट्रैप कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता था जब ये आया था, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत आसान लगा ना, आप यहाँ पे एक छोटा सा होल देख रहे होंगे पल्स ऑक्सीमीटर में, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, बस उसी में आपको ये रिस स्ट्रैप का ये पतला सा हिस्सा जो है अंदर आपको इंसर्ट कर देना है। और सबसे पहले तो आपको इसे एकदम सा नैरो बनाना पड़ेगा, पतला बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये आसानी से इसके अंदर चली जाएगी। और आपको इसको आधे हिस्से तक खींच लेना, जितना भी इसका ब्लैक पोर्शन है रस्सी का, आपको इतना खींच लेना, पूरा नहीं खींचना। जहाँ तक मैंने खींचा, देखिए आधा खींच लिया है और आधा छोड़ दिया, बीच में उसको लेकर आ गई हूँ। और बस आपको ये पूरा हिस्सा जो रिस स्ट्रैप का है, रोप का है, इसी लूप में फंसा कर अंदर डाल देना। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। बहुत इजी है, अब तो आप इसे समझ गए होंगे किस तरह से लगाना है। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक कर दें, और आप इसे खोल भी सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए इतना लंबा रिस्ट स्ट्रैप या रिबन या रोप, तो आप इसे इस तरह से हटा भी सकते हैं और ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा पल्स ऑक्सीमीटर को अपने पॉकेट या कहीं पर भी रख कर ले जा सकते हैं। अगर आपको अपने गले में टांगना है या अपने रिस्ट पर इसको बांधना है, तो इसे अटैच करें और आसानी से लेकर इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियोस, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।